नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तो क्या राम रहीम के चेलों को डेरे पर होने वाली कार्रवाई का अंदेशा पहले से ही हो गया था? हाई कोर्ट में हरियाणा की विशेष गृह सचिव के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने ये खुलासा किया कि डेरे में पुलिस की दबिश से पहले ही डेरे के लोगों ने ज्वेलरी, नकदी, बैंक के पेपर्स जैसी करोड़ों की कीमती चीजें गायब कर दी। शक ये है कि ऐसा 300 से 400 ट्रकों के काफिले में किया गया। अब हरियाणा सरकार के इस बयान से हाई कोर्ट आग बबूला है। एक तरफ प्रशासन का सारा जोर हाई प्रोफाइल बलात्कारी बाबा राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगा था और दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के लोग अपने आने वाले कल को देखते हुए डेरे से करोड़ों का माल असबाब गायब करने में लगे थे। गायब करने यानी डेरे से हटाकर किसी ऐसी जगह पर छुपाने में जहां पुलिस और कानून की नजर न पहुंच सके। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डेरे में हुई तलाशी भी सिवाय औपचारिकता के और कुछ नहीं रही। डेरे से चोरी छिपे कैश, ज्वेलरी, बैंक के कागजात, दूसरे दस्तावेज और तमाम कीमती चीजें छिपाने का ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हरियाणा की विशेष गृह सचिव गीता भारती ने किया है, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जिसने डेरे की संपत्ति जब्त कर 25 अगस्त को भड़की हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने का हुक्म दिया था। आपको याद होगा कि 25 अगस्त को जब पंचकुला कोर्ट ने राम रहीम को दो दो साध्वियों के साथ बलात्कार का गुनहगार पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी तो गुस्से में भड़के उसके समर्थकों ने पंचकुला में हिंसा फैलाने की शुरुआत कर दी थी, जिस पर पुलिस को भी डेरे के अनुयायियों पर फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 38 लोगों की जान चली गई। इस हिंसा से पंचकुला में जानी के साथ साथ काफी माली नुकसान भी हुआ, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से डेरे की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ उसी संपत्ति से पंचकुला में हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई और कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ही पुलिस समेत तमाम महकमों ने डेरे की तलाशी ली। लेकिन हकीकत यही है कि तब बहुत देर हो चुकी थी और इस तलाशी से पुलिस को खास कुछ भी हाथ नहीं लगा। हालांकि विशेष सचिव की माने तो डेरा प्रशासन ने पहले ही डेरे से कीमती चीजें गायब कर दी थी। सिरसा पुलिस ने भी ये माना है कि 25 से 28 अगस्त के बीच करीब 300 से 400 गाड़ियों का एक काफिला डेरे से बाहर निकला था और इन्हीं गाड़ियों में डेरे की कीमती चीजें थी। हालांकि बाद में पुलिस ने डेरे से कुछ विदेशी करेंसी, AK-47 राइफलें और पेन ड्राइव जरूर बरामद की, लेकिन जानकारों की माने तो ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच के समक्ष करीब करीब ये मान लिया है कि डेरा सच्चा सौदा से 25 से 28 अगस्त के दरमियान भारी कीमती सामान कहीं बाहर ले जाया गया। हरियाणा की विशेष गृह सचिव ने कोर्ट को बताया है कि डेरा से इस दौरान 300 से 400 के करीब जो गाड़ियां थी वो बाहर निकली थी और इन गाड़ियों में जो कीमती सामान था वो कहीं बाहर ले जाया गया। विशेष गृह सचिव और हरियाणा पुलिस के इस बयान से खफा हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि एक गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इस पर पुलिस को एक डिटेल रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है। साथ ही ये भी पूछा कि अगर ये शक है कि डेरे से सामान निकालकर उन्हें कहीं राजस्थान ले जाया गया तो क्या उस वक्त डेरे के साथ साथ राजस्थान के उस जगह की नाकेबंदी नहीं की जा सकती थी।
क्या राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा है? हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की गिरफ्तारी पर हुई देरी पर भी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हनीप्रीत यहीं पड़ोस में कहीं छिपी थी और बेख्याल पुलिस उसे नेपाल और बिहार में ढूंढती रही। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। राम रहीम की दौलत कितनी है वहां पर, डेरा में कित कदर वहां पर दौलत जमा थी, इसको लेकर बहुत कयास लगाए गए, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका सही सही हिसाब लगा ही लिया। सच्चाई यह है कि उसकी दौलत देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। क्या आप यकीन करेंगी कि अकेले हरियाणा में ही राम रहीम की दौलत 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उसमें सिरसा के डेरे की कीमत 1400 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा कई और प्रॉपर्टी है राम रहीम के नाम और साथ ही साथ वहां पर डेरा के अंदर भी कई कीमती चीजें पाई जा सकती थी जो वक्त रहते अगर हरियाणा पुलिस वहां पर दबिश करती और वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन चलाती तो ये चीजें उन्हें बरामद हो सकती थी। बाबा जब तक आजाद था हर मौज करता रहा, कभी सिरसा के ही अपने रिसोर्ट में नाव चलाता, कभी हाई एंड बाइक्स पर फर्राटे भरता, कभी मॉडिफाइड कारों के साथ पोज देता तो कभी कुछ और। लेकिन बलात्कार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद उसके समर्थकों ने पंचकुला में उत्पात क्या मचाया। बाबा की शोहरत तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी, उसकी दौलत पर भी हाईकोर्ट की निगाहें टेढ़ी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब इस नुकसान की भरपाई बाबा की प्रॉपर्टी से ही होगी। हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद हरियाणा प्रशासन ने पूरे सूबे में बाबा की प्रॉपर्टी का असेसमेंट का काम शुरू किया। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हरियाणा में राम रहीम या फिर यूं कहें कि डेरा सच्चा सौदा के पास कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? तो सुनिए, हरियाणा में राम रहीम की कुल दौलत की कीमत है पूरे 1600 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब 600 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई भी हैरान रह जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने राम रहीम के डेरों और ठिकानों की जांच के बाद जो हिसाब निकाला है वो कुछ ऐसा ही है। इनमें अकेले सिरसा के डेरे की कीमत ही 1453 करोड़ रुपए है, जबकि अंबाला की 32 करोड़ 20 लाख रुपए, झज्जर की 29 करोड़ 11 लाख रुपए, फतेहाबाद की 20 करोड़ 70 लाख रुपए, जींद की 19 करोड़ 33 लाख रुपए, सोनीपत की 17 करोड़ 65 लाख रुपए, कैथल की 11 करोड़ 16 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र की 7 करोड़ 42 लाख रुपए, हिसार की 7 करोड़ 3 लाख रुपए, करनाल की 6 करोड़ रुपए, भिवानी की 3 करोड़ 87 लाख रुपए, यमुनानगर की 3 करोड़ 14 लाख रुपए, पानीपत की 2 करोड़ 82 लाख रुपए, फरीदाबाद की 1 करोड़ 56 लाख रुपए और रोहतक और रेवाड़ी की 47 और 37 लाख रुपए है। खास बात यह है कि राम रहीम की यह दौलत तो सिर्फ हरियाणा में है, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में अगर उसकी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाएं तो मामला कई 100 करोड़ का और बढ़ सकता है। लेकिन ये तो रही डेरे की दौलत की बात, पंचकुला में हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर कोर्ट इन प्रॉपर्टी में से कितना अटैच्ड करती है ये देखने वाली बात होगी। डेरा से जुड़े सूत्रों की बात माने तो इस ज्यादातर कीमती सामान को हनीप्रीत इंसान ने ठिकाने लगाया है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने यह कहा है कि ज्यादातर कीमती सामान जिसमें ज्वेलरी, कैश और दूसरे कागजात शामिल थे, हनीप्रीत इंसान ने गायब करवाए थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हनीप्रीत इंसान जब डेरा सच्चा सौदा से बाहर निकली थी तो उसके पास 2 बड़े बड़े सूटकेस थे। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।